नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के समय व्यक्ति पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति यही चाहता है उसके घर के अंदर शांति बनी रहे, घर के अंदर धन की आवक अच्छी हो और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर कोई परेशानी ना आए। और उसे अपने जीवन के अंदर अपने कर्तव्य को अपने प्रभु का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हो कि जो कार्य करे उसके अंदर धन अनी और राज चौगुनी तिथि से आए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, कई प्रकार के दोष से या हमारे द्वारा किए गए गलतियां और पापी हमारी की गई पूजा के ऊपर पानी फेर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों हम जितना प्रयत्न चाहते हैं या जितना लाभ प्राप्त करना चाहते वह हो नहीं पाता। या फिर दोस्तों, अगर आपकी और धन कमाने के मालिक हो चुके हैं, धन आपके जीवन के अंदर भरपूर है, तो कोई परिवार का सदस्य आपका कहना नहीं मानने वाला होता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहती हैं। या फिर आपके घर के अंदर आर्थिक रूप से ना तो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई कलह रहता है, पति पत्नी के बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा और टकरार होती रहता है, या फिर आपके बच्चा आपके कहना नहीं मानने वाली होती, अर्थात कि कैसी भी विकृति क्यों ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पारिवारिक हो धन की हो, बस एक इस उपाय माध्यम से आप अपने जीवन की किस्मत चमका सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साक्षात संकट मोचन का यह उपाय है, बस मात्र अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको यह चीज बांधनी है और उसके बाद आप स्वयं कहेंगे कि आपकी किस्मत बदल गई, बस मात्र एक छोटी सी 10 रुपए के खर्च करने मात्र से। दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि मंगलवार या शनिवार विशेष के दिन या फिर सप्ताह में किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष चमत्कारी लाभ चाहती हैं तो आपको मंगलवार और शनिवार का दिन चयन करना है। दोस्तों, यह चयन करने के लिए आप क्या करिए कि एक लाल धागा ले लें। लाल धागा आपको जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने घर का मुखिया हो या फिर जिसके लिए आप उपाय करना चाहती हैं, उसके शरीर की लंबाई के अनुरूप आपको लाल धागा लेना है दुगना, अर्थात की कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो आपको 10 फुट का धागा लेना है। इस प्रकार से आपको धागा ले लेना है और उस धागे को क्या करें कि एक गोल घेरा बना दे, एक नारियल ले जो कि जोत के अंदर जलाया जाता है, सूखा नारियल जिसे कहा जाता है, और सूखा नारियल ले और उसके बाद आप क्या करें, उस लाल धागे को आप उस नारियल के ऊपर लपेट दे पूरा का पूरा। उसे लपेटने के बाद आप क्या करें दोस्तों, एक स्वास्तिक का निर्माण करें। कुमकुम की सहायता से लाल धारा और लाल कुमकुम होता है, स्वास्तिक दिखे या ना दिखे, लेकिन स्वास्तिक का आपको एक निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके आसपास कोई हनुमान जी का भगवान शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ पर आपको चले जाना है, अन्यथा साधारण तौर से आप उपाय घर के अंदर ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जहाँ आपका मन स्वच्छ रहता है, समझ लीजिए कि देवताओं का वास अपने आप ही वाह हो जाता है। देवता कण कण में विद्यमान है, माने तो और ना माने तो मंदिर के मूर्ति के अंदर भी कोई देवी देवता नहीं है। अपने मन के अंदर आप श्रद्धा रखे इस उपाय को कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप क्या करें कि उस लाल धागे को आप जो घोटा है उस नारियल उसे आप हनुमान जी के चरणों के अंदर ऐसे ही रख दें। हनुमान जी की निमित्त आप उसे एक बार हनुमान चालीसा का जप करें। हनुमान चालीसा का जाप करने के तत्पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो मनोकामना मांगी है, मात्र वह मनोकामना हनुमान जी के कानों के अंदर आपको बोल देना है। अपने मन ही मन बोले या कैसे भी बोले, बस सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा के साथ वह मनोकामना बोलनी है। उसके बाद क्या करें दोस्तों, उस लाल धागे को उस नारियल के उस गोटे से, उस सूखे नारियल से आपको निकाल देना चाहिए और उस नारियल को आपको ज्योति जलानी चाहिए हनुमान जी के अपने घर में या मंदिर में, कहीं भी आपको हनुमान जी की ज्योति जलानी चाहिए। और उस ज्योति को दोस्तों आप क्या करें, अगर आपके घर के अंदर ही कर रही हैं तो संपूर्ण घर के अंदर ज्योति को आपको घुमाना चाहिए, ताकि आपके घर की या जो नकारात्मक शक्ति होती है, जहाँ पर बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, इस ज्योति के प्रभाव प्रकाश से आते ही तुरंत प्रभाव से वह चला जाता है।
और मंदिर के अंदर कर रही हैं, तो जो लाल धागा आपने लिया है उस लाल धागे को ज्योति के ऊपर से 7 बार घुमा लें और घुमाते समय ओम हन हनुमते नमः या ओम अंजनी सुल्ताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस लाल धागे को उसके ऊपर से घुमा लें। दोस्तों उसके बाद क्या करें कि उस लाल धागे पर आपको गिनकर 11 गांठें लगा देनी है और 11 गांठें इस प्रकार से लगाएं कि संख्या की दूरी देखिए तो दूरी बराबर होनी चाहिए संख्या के हिसाब से, उस प्रकार से आपको उस लाल धागे के अंदर गांठें लगा देनी चाहिए और प्रत्येक बार जब गांठ लगाएं तो आपकी कोई भी एक मनोकामना या कोई भी एक इच्छा आखिर भगवान से आप जो चाहते हैं वो आपको बोलकर गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार से आपको 11 गांठ या 11 मनोकामनाएं आपको हनुमान जी से बोलनी है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि सबसे बीच के अंदर जो गांठ लगेगा अर्थात कि 5 एक साइड में और 5 एक साइड में बीचों बीच जो गांठ लगती है छठवीं जिसे गांठ कहेंगे उस गांठ के अंदर आपको एक लौंग डालकर गांठ लगानी है। इस बात को आपको भूलना नहीं है क्योंकि दोस्तों लौंग का आवरण आपके आसपास की बुरी शक्तियां बुरे दोष आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत बनाना हो बुध ग्रह को आपके जीवन के अंदर धन आगमन हेतु लाना हो यह कार्य लौंग कर देगा। अब इसके बाद क्या करें उस लाल धागे को आपको बारीक सिंदूर घोल कर आपको अपने पतला सा पेस्ट बना लेना है और उस सिंदूर के अंदर आपको लाल धागे को डुबो कर सिंदूर के रंग के अंदर उसे रंग देना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें हनुमान जी से आप प्रार्थना करें आपकी जो भी इच्छा मांग कर आप अपने घर का जो मुख्य द्वार रहता है एक बार हनुमान चालीसा को उस लाल धागे को अपने हाथ के अंदर लेकर ही हनुमान चालीसा का जप करते हुए उसके बाद आपकी जो भी आपकी इच्छाएं बोलते हुए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जहाँ भी आपसे पॉसिबल हो अपने मुख्य द्वार पर वह लाल धागा मात्र आपको बांध देना चाहिए। दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी परेशानी नहीं आती, अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है या घर के अंदर कोई परेशानी है तो वह तुरंत प्रभाव से चला जाता है। शत्रु चाहे कितना भी लाख कोशिश कर ले लेकिन हनुमान जी की कृपा से आपका बाल बाका नहीं कर पाती। कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसकी परेशानी अपने आप ही समाप्त होने लगता है, आपको उसका परेशानी आपको मालूम ही नहीं चलता कब हनुमान जी वह परेशानी आपकी दूर करते हैं। साथ ही साथ आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, नजर दोष आपसे कोसों दूर चला जाता है बस मात्र लाल धागा होने की वजह से। यह सारी चीजों का जल लाल हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इस उपाय को बिना देरी के आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हर जगह जाएं वहां पर आपको हनुमान का कवच प्राप्त हो जाए हनुमान जी की आपको हर जगह शक्ति प्राप्त हो आपके जीवन के अंदर कभी कोई दोष नहीं हो तो आप क्या करें उस लाल धागे को अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के अगर द्वार के ऊपर बांधने के बाद भी बच जाता है तो उसी लाल धागे को अपने हाथ के अंदर धारण करें। कलाई कौन सी रही तो जिस हाथ से आप खाना खाते हैं मतलब कि जिस हाथ से आप ज्यादा कार्य करते हैं उस हाथ के ऊपर आप बांधे चाहे दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो। कई व्यक्ति बायां हाथ से काम करते हैं तो कई लोग दायां हाथ से काम करते हैं। जिस हाथ से आप कार्य करते हैं उस हाथ पर अपने लाल धागा कलावा जिसे कहा जाता है मूली कहा जाता है आपको वहाँ पर बांध कर हनुमान जी से आपकी संकट से मुक्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों आप जहाँ भी जाएंगे उस लाल धागे का आवरण आपके आसपास की बुरी शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, बुरी शक्तियाँ कोसों दूर आपसे चला जाएगा और आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा है और वह डरता हो रात को उसके अंदर पेशाब करने की समस्या हो या फिर रात्रि को डर कर खड़ा हो जाता हो ऐसी समस्या अगर छोटे बच्चे के अंदर है तो आप चाहते कुछ समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो तब दोस्तों मंत्र आपको क्या करना चाहिए तो उसके सिरहाने वाला लाल कपड़ा धके उसे बाद देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप ही डरना बंद कर देता है बुरी से बुरी शक्ति उसे कोसों दूर चला जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें यह लाल धागा अवंतरित होता है तो महिलाएं बांधते समय ध्यान रखें कि जिस दिन आप लाल धागा बांध रही हो उस दिन आपका मासिक चक्र नियमित हो और आप उस समय पूजा पाठ करते समय लिए हो उसी समय आपको बांधना चाहिए। बाकी दिनों में वह धागा आपके पास आपकी कलाई के पास पड़ा रहेगा लेकिन जब आप बांधेंगी तो उस दिन का चयन आपको ध्यान रखकर करना होगा और विशेष तौर से आप मंगलवार के दिन बांधती हैं तो देखिए आपके जीवन के अंदर कैसी अपने आप ही सब संकट आपके मौके के अंदर बदल जाती हैं। हर हनुमान की विशेष कृपा आपके प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप चाहती हैं हनुमान जी का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होना तो हनुमान जी के चरणों के अंदर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी के पैरों के अंदर जो आप सिंदूर चढ़ाती हैं उस सिंदूर को लाकर अपने घर की अलमारी के
अंदर मात्र आपको लगाकर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दे या फिर अपने घर की तिजोरी अलमारी के अंदर एक तिलक ही मात्र बना दे हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का, और फिर देखेंगे दोस्तों हनुमान जी की आपके जीवन के अंदर कितनी कृपा प्राप्त होती है कि आपके चाहने से ही मात्र हर कार्य पूरा होगा और आप जैसा चाहेंगे हनुमान जी की कृपा मिलेगा तो वह कार्य निश्चित तौर पर आपका कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हनुमान जी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।